बिहार में इन दिनों पुलों के ध्वस्त होने की खबर कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन किसी न किसी जिले से पुल धंसने की खबर आती ही रहती है। ताजा मामला भागलपुर जिले का है, जहां सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन फोर लेन पुल तीसरी बार गंगा नदी में गिर गया। सुल्तानगंज से अगुवानी घाट की तरफ से 9 और 10 नंबर के बीच का हिस्सा गंगा नदी में समा गया। इस महासेतु का निर्माण एसपी सिंगला कंपनी द्वारा किया जा रहा है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में बन रहा यह पुल खगड़िया और भागलपुर जिलों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा था। आपको बताते चले कि पहले भी 4 जून 2023 को सुल्तानगंज अगुवानी गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन फोर लेन पुल जमींदोज हो गया था। पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। वहीं पुल पर ड्यूटी कर रहे 2 गार्ड भी हादसे के बाद से लापता हो गए थे। उस वक्त अगुवानी की तरफ से पुल के पाया नंबर 10, 11, 12 के ऊपर का पूरा सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था, जो लगभग 200 मीटर का हिस्सा होगा। वहीं 27 अप्रैल 2022 को इस निर्माणाधीन पुल का सुपर स्ट्रक्चर नदी में गिर गया था। तेज आंधी और बारिश में करीब 100 फीट लंबा हिस्सा भरभराकर जमीन में गिर गया था। हालांकि उस वक्त जानमाल को क्षति नहीं पहुंची थी। इसके बाद पुल निर्माण का काम फिर से शुरू हुआ। इस बार करीब 80% काम सुपर स्ट्रक्चर का पूरा हो गया था। इतना ही नहीं, अप्रोच रोड का काम भी 45% पूरा हो गया है। इस पुल को उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना मानी जाती है। इस परियोजना का आरंभिक मूल्यांकन 1,710 करोड़ किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 23 फरवरी 2014 को इसका शिलान्यास भी किया गया था। इस पुल तथा सड़क निर्माण से NH 31 तथा NH 80 आपस में जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि इस पुल की लंबाई 3 किलोमीटर है, जबकि अप्रोच पथ की कुल लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। अब पुल धंसने के बाद इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी ही सरकार को घेरा है। जेडीयू विधायक ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि अगुवानी सुल्तानगंज में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल फिर तीसरी बार गिरा है। पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है। मैं लगातार बोल रहा था कि फिर गिरेगा, लेकिन आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही अधिकारी पर, न ही एसपी सिंगला कंपनी पर और न ही रोडिक कंसल्टेंसी पर। बहरहाल इन घटनाओं से तो साफ स्पष्ट है कि बिहार की नदियों पर बने पुल फूल से भी नाजुक हैं। बिहार का ये निर्माणाधीन फोर लेन पुल बनने से पहले ही 3 बार ध्वस्त हो चुका है। अब समझने वाली बात ये है कि क्या सरकार इस पर कोई कड़ा रुख अख्तियार करती है, या फिर आगे भी बिहार में ऐसे ही पुल गिरते रहेंगे। द न्यूज़ पोस्ट के लिए ऋषि की रिपोर्ट।